उत्तर प्रदेश में मिले निकाय चुनाव में हार के बाद अब सपा बसपा और कांग्रेस करेगी समीक्षा बैठक। जी आपको बता दें कि 18 तारीख को बीएसपी सुप्रीमो निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर बैठक करेगी, तो वहीं 22 तारीख को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। तो वही कांग्रेस, जिसको कांग्रेस को कर्नाटक में तो जीत मिली लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी जो परिणाम आए हैं वो काफी निराशाजनक रहे हैं, और ऐसे में जो हार मिली है इसको लेकर समीक्षा बैठक किया जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, और जहां भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों में जीत दर्ज की, तो वहीं विपक्ष को निराशा साबित हुई है। और ऐसे में अब सभी विपक्षी पार्टियां सपा बसपा और कांग्रेस तीनों ही समीक्षा बैठक करेंगी और हारी हुई सीटों को लेकर चिंतन करेगी कि कहां पर क्या कमी रह गई है। पूरे प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत से विपक्षी पार्टियां सदमे में चली गई हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा को समझ में नहीं आ रहा है कि निकाय चुनाव के परिणाम को किस तरीके से देखें, क्योंकि 17 नगर निगम में से एक भी सीट सपा के खाते में नहीं है। वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में भी जहाँ सपा के पास कुछ सीटें थी वे भी इस बार छिन गयी। इस हार की वजह तलाशने के लिए अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन इस हार की असली वजह अगर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के सर मढ़ा जाए तो गुर्ज गलत नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर कहीं भी प्रचार नहीं किया, जिससे कार्यकर्ताओं के साथ सपा के वोटरों को गहरी निराशा हुई और वोटर भाजपा की तरफ चला गया। खैर, सपा अब समीक्षा बैठक करने जा रही है तो कुछ हल निकलेगा ही, क्योंकि ठीक एक साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है और निकाय चुनाव को सभी दल लिटमस टेस्ट की तरह लेकर चल रहे थे। अगर बात करें बसपा की तो बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति से दूर होती जा रही हैं, क्योंकि उपचुनाव में तो वो प्रत्याशी उतारती नहीं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में भी मायावती दूर दूर ही रहीं। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। नतीजा सभी के सामने है। मायावती, जो कि अपने आलिशान बंगले से बाहर निकलने में अब कतराती हैं, उन्होंने अगर योगी की तरह प्रदेश में जनसभाएं की होती तो बसपा काडर जो उनसे दूर जा रहा है उसे कुछ एनर्जी मिलती, लेकिन मायावती की उदासीनता से नतीजा सामने है। बात करें कांग्रेस की तो प्रदेश में दशकों पहले वोट बैंक खो चुकी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के संभालने के बाद कुछ नेता एक्टिव हुए हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव में सारा दारोमदार प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के कंधों पर ही रहा। खाबरी से जितना बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन बदलाव का नारा देने वाली प्रियंका ने निकाय चुनाव से दूरी बनाए रखी। अब चुनाव में सभी विपक्षी दलों को चारों खाने चित करने वाली भाजपा के परचम लहराने के बाद सभी पार्टियां एक एक करके समीक्षा बैठक बुला रही हैं, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि यूपी नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश की सभी 17 नगर निगम सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। सभी 17 मेयर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसके बाद से एक तरफ जहां भाजपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता चुनावी परिणाम से गदगद हैं, वहीं विपक्ष सदमे में है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक सभी भाजपा पर चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगा रहे हैं। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के भार स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो, क्या छिपाया आपसे। कृष्ण प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा का सूर्यास्त हो चुका है, भाजपा ही वर्तमान और भविष्य। छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों। जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भाजपा ने जीत हासिल की है, उससे आने वाले चुनावी साल में सपा बसपा की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना रुख पहले ही बता दिया था। अब निकाय चुनाव में उसे दोबारा योगी पर फिर से भरोसा जताया है। पूरे साल एसी कमरों में बंद रहने वाले नेता चुनाव से कुछ समय पहले ही दिखते हैं, लेकिन वो केवल
ट्विटर तक ही सीमित रह जाते हैं, जिससे उनके कार्यकर्ताओं को घोर निराशा होती है। वहीं भाजपा पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, चाहे चुनाव कोई भी हो उसे गंभीरता से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर संगठन बनाने का काम करती है। यही कारण है कि इस निकाय चुनाव में भी पूरा प्रदेश भगवामय हो गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। उम्मीद है कि समीक्षा बैठक में कुछ समीक्षा कर जनता के सामने विपक्षी दल जरूर आएंगे। लखनऊ से अश्वनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।